खन्याताना पुलिस ने अचरोनी कंजर डेरा से पकड़ी करीब 1 लाख रुपए की अवैध कच्ची शराब व अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्री को किया नष्ट। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी अमन सिंह राठौर द्वारा अवैध शराब की बिक्री के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु आदेशित किया गया था। उक्त आदेश के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवपुरी संजय मोले के निर्देशन में SDOP महोदय पिछोर प्रशांत शर्मा के मार्गदर्शन में खन्याताना थाना प्रभारी सुरेश शर्मा को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कंजर डेरा सोनी के कुआ चरोनी में एक कंजर लोग अवैध रूप से शराब उतार रहे हैं तथा भारी मात्रा में अवैध रूप से शराब बिक्री करने के लिए रखे हुए हैं। वहीं उक्त सूचना पर से अचरोनी कंजर डेरा सोनी के कुआ पर दबिश दी गई तो आरोपी सिगरेटी पुत्र नत्थू कंजर निवासी कंजर डेरा सोनी का कुआ चरोनी का भाग गया, जिसका पीछा किया गया तो झाड़ियाँ होने से फरार हो गया। मौके पर एक भट्टी पर आग जलती हुई मिली तथा शराब उतर रही थी। मौके पर अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्री प्लास्टिक की 2 कैन जिसमें 70 लीटर हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब, नीले रंग के 2 ड्रम जिसमें गुड लाइन 400 लीटर भरा हुआ था, जिस मौके पर नष्ट किया गया। उक्त कार्रवाई में एक बड़ा ढक्कन एल्यूमिनियम का एवं एक शराब बनाने की लोहे की भट्टी कुल कीमत 1 लाख रुपये का माल जब्त किया गया। मौके से फरार आरोपी सिगरेटी पुत्र नत्थू कंजर निवासी कंजर डेरा सोनी का कुआ चरोनी के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का मामला दर्ज कर लिया गया है। फरार आरोपी की तलाश जारी है। चरोनी में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की है, क्या कार्रवाई की? कल शाम को मुखौल द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि अचरोनी और कुआ बना है उसका क्या नाम सोनी का कुआ है ना, पहले भी वहाँ शराब पकड़ी गई थी, उस पर भारी मात्रा में कंजर लोग अवैध रूप से शराब उतार रहे हैं। उक्त सूचना के आधार पर दबिश दी गई तो सिगरेटी कंजर भाग खड़ा हुआ, जिसका पीछा किया गया पर पकड़ में नहीं आ सका। उसके कब्जे से 70 लीटर देसी शराब, शराब बनाने का सामान, पूरा जो शराब उतर रही थी वो भट्टी भट्टी सब जब्त हुई है। करीबन 1 लाख का माल जब्त हुआ है। आरोपी के विरुद्ध 34(2) के तहत कार्रवाई की गई है। अभी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जल्दी से उसको गिरफ्तार करेंगे और पूछताछ भी करेंगे।